So today I am going to talk about something that has been happening with my channel from a long time. So hello everyone. Yes, title और thumbnail देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि is this another YouTube India expose video? Is this another YouTube India roast video? No my friend, this is not. This is just a video in which I'll be crying out for help from YouTube India. So if you follow me on my Instagram, then तुम लोगों को पता ही होगा कि मेरे चैनल के साथ में बहुत glitch हो रहा है. There is a full list of glitch that has been happening with my channel. You must be seeing the list on your screen right now. So we are going to talk about that today. So the first problem with my channel is कि जब मैं कोई new video upload करता हूँ, so nobody gets the notification for my video. Like if I count, only 5 to 10% of the people get the notifications for my video, जिसके वजह से मेरा जो वीडियो का एंगेजमेंट है वो बहुत खराब हो जाता है, वीडियो पे व्यूज नहीं आते, एंड देन आई गेट DMs फ्रॉम पीपल saying कि वाई haven't यू अपलोडेड अ वीडियो. सो आई हैव टू टेल देम कि वीडियो अपलोड हुई है बट यू आर नॉट गेटिंग द नोटिफिकेशन. सो दिस इशू इज जस्ट विथ माई चैनल, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को और मेरे फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन टैब में मेरा वीडियो दिखता ही नहीं है. इवन आफ्टर दे हैव सब्सक्राइब्ड एंड दे हैव प्रेस्ड द बेल आइकॉन, स्टिल उन लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आता नहीं है. एंड आई हैव टू सेंड देम द लिंक इन देयर DM, तो इसके वजह से बहुत हेक्टिक हो जाता है. सो आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, मैंने YouTube इंडिया को ट्विटर पे ट्वीट किया एंड मुझे YouTube इंडिया की तरफ से एकदम सिली सा रिप्लाई आया. सो मैंने ट्वीट ये किया था, माई चैनल नेम इज द मिथ बाय युग एंड माई कंप्लेंट इज दैट माई सब्सक्राइबर एंड फैमिली आर नॉट गेटिंग नोटिफिकेशंस इवन आफ्टर क्लिकिंग द बेल आइकॉन, ड्यू टू विच माई वीडियोज हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी बैड, प्लीज लुक इन टू दिस. सो ये ट्वीट के ऊपर टीम यूट्यूब का रिस्पॉन्स आता है, मेक श्योर योर सब्सक्राइबर्स हैव चेक देयर नोटिफिकेशन सेटिंग नॉट जस्ट फॉर द सब्सक्राइबर बेल बट ऑल्सो फॉर देयर ऐप एंड फोन, हियर इज अ हेल्पफुल रिसोर्स, लेट अस नो हाउ इट गोज. ये टीम YouTube का मेरे ट्वीट के ऊपर रिस्पॉन्स था. बीइंग अ बिलियन डॉलर कंपनी, ये कोई जवाब देने का तरीका होता है? मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड दे आर सेइंग दैट सब्सक्राइबर्स को अपने नोटिफिकेशन का सेटिंग चेक करने को बोलो. मतलब आपकी तरफ से तो ग्लिच कभी हो ही नहीं सकता ना. ऑल द टाइम इट इज क्रिएटर का प्रॉब्लम या तो फिर कुछ और प्रॉब्लम. YouTube कभी ओन अप करेगा ही नहीं कि उसके इसमें प्रॉब्लम है. सो आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स कि उन लोगों ने नोटिफिकेशंस किस तरह से ऑन रखी है एंड दे शोड मी द स्क्रीनशॉट कि उन्होंने नोटिफिकेशन सब बराबर से है. दे आर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ अदर यूट्यूबर्स एज वेल बट सिर्फ मेरा ही वीडियो का जो नोटिफिकेशन है दे आर नॉट रिसीविंग दैट. सो वो स्क्रीनशॉट भी मेरे पास थे. तो आफ्टर सीइंग दो स्क्रीनशॉट वन थिंग वॉज क्लियर दैट ये जो ग्लिच है ये मेरे चैनल की तरफ से नहीं है, यूट्यूब की तरफ से ग्लिच है. सो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस. दे आर सेइंग कि ये सब्सक्राइबर्स की तरफ से कुछ इशू होगा, विच इज़ वेरी डम. So one video that I shot in 2016 got a claim in 2016 or 17 and video pe claim aaya tha, so I muted that audio in that video and so now I see the video has been blocked by YouTube for violating guidelines. Like 2016 या 17 ki video aap log 2020 mein kis basis ke upar block kar rahe ho. First thing, no email from YouTube, no notification, no nothing. बस मैं अपने YouTube Creator Studio में scroll कर रहा था, वो time मुझे दिख गया कि भाई ये video block हो गई है. So isn't it responsibility of YouTube कि हमको at least एक warning दी जाए. So the next thing, I uploaded a video 2 months back. The video was titled Answering Your Assumptions About Me. So वो video मैंने upload की थी and video upload करने के 10 days बाद video पे copyright आया था. वीडियो पे कॉपीराइट इसलिए आया था क्योंकि मैंने आउट्रो में एरिजोना जर्वेस का जो सॉन्ग है रॉक्सेन वो गाना यूज़ किया था, वो गाने का मैंने आउट्रो यूज़ किया था, तो शायद उसकी वजह से आ गया था क्लेम क्योंकि शायद उनके पास राइट्स होंगे, तो वो गाना यूज़ करने की वजह से आई गॉट अ कॉपीराइट क्लेम. सो वॉट अ यूट्यूबर शुड डू, तो क्लेम पार्ट मैंने म्यूट कर दिया एंड डिस्प्यूट पर डाल दिया कि आई हैव डन द चेंजेस, तो क्लेम निकाल दो. क्लेम निकालने के एक महीने बाद आई चेक, सो द क्लेम सो द डिस्प्यूट सो क्लेम डालने के एक मंथ बाद आई चेक, सो द डिस्प्यूट हैज एक्सपायर्ड एंड द क्लेम इज स्टिल सिटिंग ऑन द वीडियो. दैट वॉज द थिंग. तो वो देखने के बाद मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आउट्रो ही निकाल देते हैं. देन मैंने वीडियो ट्रिम कर दिया, जो कॉपीराइटेड पार्ट था वो मैंने ट्रिम कर दिया एंड देन मैंने वो वीडियो सेव कर दिया वैसे का वैसा. ट्रिम करने के बाद में भी द क्लेम इज स्टिल सिटिंग ऑन द वीडियो एंड उसकी वजह से वीडियो का जो एंगेजमेंट है उसमें मतलब
वीडियो अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया, देर आर ओनली 350 व्यूज़ ऑन द वीडियो आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब 3 महीने में तो अच्छे खासे व्यूज़ आ जाने चाहिए, बट वीडियो पे नहीं उतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। सो ये एक और चीज़ है। सो आफ्टर सीइंग दिस कि वीडियो छोटा हो चुका है, ट्रिम्ड आउट हो चुका है, स्टिल देर इज़ अ क्लेम, आई गॉट अ लिटिल बिट अपसेट एंड मैंने वापस यूट्यूब इंडिया को एक ट्वीट किया। माय वीडियो गॉट अ क्लेम आफ्टर अपलोडिंग, सो आई ट्रिम्ड आउट द सेक्शन वेयर द क्लेम्ड पार्ट वॉज सीन। टुडे इवन आफ्टर 1 week द क्लेम हैज नॉट बीन रिमूव, बट माई वीडियो इज नाउ शॉर्टर, विच मीन्स द क्लेम्ड क्लिप हैज बीन रिमूव फ्रॉम द वीडियो, बट द क्लेम इज स्टिल सिटिंग ऑन द वीडियो। वाई? प्लीज लुक इन टू दिस मैटर। आफ्टर सीइंग दिस स्क्रीनशॉट, टीम यूट्यूब ट्वीट्स सेइंग थैंक्स फॉर द स्क्रीनशॉट, इट लुक्स लाइक द कंटेंट आईडी क्लेम ऑन योर वीडियो इजंट रिलीज्ड येट आफ्टर ट्रिमिंग द कॉपीराइटेड पोर्शन बिकॉज योर डिस्प्यूट इज स्टिल अंडर रिव्यू, नोट दैट द क्लेमेंट हैज 30 days टू रिस्पॉन्ड टू इट, मोर इन्फो हियर। सो ये चीज टीम यूट्यूब ने ट्वीट किया। ओके, दिस इज अ वेरी बिग क्रिएटर, 30 days हो जाने के बाद में वो क्रिएटर ने डिस्प्यूट मेरा एक्सेप्ट नहीं किया, वॉट आफ्टर दैट? जब किसी बड़े क्रिएटर के वीडियो के ऊपर क्लेम आ जाता है तो 1-1.5 घंटे के अंदर उनके वीडियो का क्लेम हटा दिया जाता है, बट ऑन दी अदर हैंड जब किसी छोटे क्रिएटर को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, देर इज नो वे कि वो क्रिएटर तक हेल्प पहुंच जाए। मेल्स इग्नोर कर दिए जाते हैं, हमारे ट्वीट पे ऐसे सिली आंसर्स दे दिए जाते हैं, ना तो हेल्प सपोर्ट दिया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वेर यूट्यूबर्स इन सम टाइम दे क्विट यूट्यूब, वो लोग यूट्यूब वीडियोज बनाना छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजन। आदमी कितने देर तक सहन करेगा? बट ऑन दी अदर हैंड जो ट्वीट में आप डिप्लोमेटिक खेल सकते हो, वो ट्वीट में आपका रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता है। सो स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि इसके वजह से अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स आर सफरिंग। मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स से भी बात की हु आर क्रिएटर्स एंड उनको भी बहुत सारे ऐसे सेम इशूज आ रहे हैं, बट दे आर गेटिंग नो हेल्प एंड मे बी दे माइट क्विट यूट्यूब। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा, उन्होंने गेमिंग चैनल स्टार्ट किया था जिसका नाम था रसभरी के पापा। सो वो चैनल में कुछ 24 hours में 1 million या ऐसा कुछ सब्सक्राइबर्स मार्क क्रॉस हो गया था, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, बट ऑन द नेक्स्ट डे सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब होने लग गए थे एंड आफ्टर दैट उसके नेक्स्ट डे पे सब्सक्राइबर्स वापस रीगेन हो गए थे। अभी आई नो यहाँ पे आप बोलोगे कि उन्होंने उनकी स्टोरी पे बोला था कि गो एंड सब्सक्राइब बैक, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वो सब्सक्राइब बैक करने की वजह से चैनल का जो सब्सक्राइबर कम हुए तो वो रीगेन हुए हैं या फिर यूट्यूब ने कुछ हेल्प किया है, वी डोंट नो। बट दिस इज़ द एग्जाम्पल कि बड़े क्रिएटर्स के साथ होने के बाद उनको हेल्प मिल जाती है, बट छोटे क्रिएटर्स के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। सो दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट ये वीडियो के थ्रू कि वी नीड हेल्प एंड हम लोगों को जब हेल्प मिलती नहीं है तो द लास्ट ऑप्शन इज़ टू क्विट यूट्यूब। यूट्यूब बीइंग सच अ बिग प्लेटफॉर्म, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, दे शुड हेल्प द न्यू क्रिएटर्स एंड यंग क्रिएटर्स जो अभी अभी यूट्यूब पे आए हैं, अदरवाइज क्या होगा कि देर वॉन्ट बी एनी मोटिवेशन लेफ्ट टू मेक वीडियोज। एंड ये चीज़ देख के बहुत बुरा लगता है कि मतलब आप रात रात भर बैठ के एडिट करो एक वीडियो एंड उस पर एक सिली सी प्रॉब्लम की वजह से क्लेम आ जाता है, क्लेम आने की वजह से वीडियो परफॉर्म नहीं करती, और जब कोई वीडियो परफॉर्म नहीं करती सो बस ओनली अ क्रिएटर नोज कि क्या फील होता है, इट फील्स लाइक यू वेस्टेड योर टाइम। सो आफ्टर दिस पीपल सेड कि तू यूट्यूब को मेल कर, ट्वीट कर। सो मेल और ट्वीट करने के बाद तो ये ऐसे डम आंसर्स दे रहे हैं। सो वॉट आर वी सपोज टू डू नाउ? सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि अगर यूट्यूब इंडिया में किसी को ये वीडियो दिख जाएगा तो प्लीज़ लुक इन टू दिस मैटर, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ ये हो रहा है एंड बाकियों का पता नहीं, बट मैंने तो सारे स्क्रीनशॉट्स एंड सब आपको मेल करके रखा है, मेल देख लेना या फिर ट्विटर में मेरा ट्वीट्स देख लेना, एंड दैट इज़ वाई आई मेड दिस वीडियो। एंड ये वीडियो देख के किसी को हेट मत पहुँचाना, कमेंट्स में भी कुछ ऐसा वैसा लिख मत देना, दिस वॉज जस्ट माई ओपिनियन अबाउट वॉट आई एम फीलिंग एंड हाउ यूट्यूब इंडिया इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग करेक्टली। सो यस, दिस वॉज द वीडियो।